वेलकम बैक गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कंडीशन शेयर कर रहा हूँ जो कि मोस्ट कॉमन जो मैरिड कपल्स हैं और जब वो कंसीव करती हैं तो उनके साथ होता है। तो प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में कई बार आपको मेंशन किया जाता है कि योक सैक एंड फीटल पोल नॉट सीन या विजुलाइज, तो इसका मतलब क्या होता है और आखिर ये जो टर्म्स हैं जेस्टेशनल सैक, योक सैक, फीटल पोल, ये क्या होती हैं, आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। सो जब भी कोई फीमेल कंसीव करती है, कंसीव करने के बाद अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी की तीन झलकें शुरुआती स्टेज में हम लोगों को दिखाई देती हैं जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। जानते हैं वो झलकें क्या हैं? फर्स्ट जेस्टेशनल सैक, नंबर टू योक सैक, नंबर थ्री फीटल पोल एंड देन फाइनली हमें बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है। अब मन में सवाल आता है कि ये जो टर्म्स हैं ये क्या चीज़ हैं, जेस्टेशनल सैक, योक सैक, फीटल पोल क्या चीज़ होती हैं। देखिए, जब महिला की अंडेदानी से अंडा रिलीज होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेगनेंसी की जो टाइमलाइन है वो क्या है। तो मान लीजिए कि किसी भी फीमेल की जो पीरियड साइकिल की लेंथ है वो 28 दिनों की है, 14th डे के अराउंड ओवल्यूशन होता है, मतलब कि अंडेदानी से एक अंडा रिलीज होता है। जब ये अंडा पुरुष के स्पर्म के साथ मिलता है तो ये अंडा फर्टिलाइज हो जाता है एंड देन जब फर्टिलाइज होता है तो इसमें सेल डिवीजन होता है, मोरूला स्टेज, ब्लास्टोसिस स्टेज और फिर फाइनली ये जब यूट्रस में मतलब गर्भाशय में जाके इम्प्लांट होता है, देन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है या फिर प्रेगनेंसी के साइनो सिम्टम्स महिला में आ जाते हैं। जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट्स की लेयर्स होती हैं, ट्रोफोब्लास्ट या सिंशियोट्रोफोब्लास्ट, ये एक हार्मोन को बनाना स्टार्ट करती हैं जिसे बीटा एससीजी हार्मोन बोलते हैं। स्पेसिफिक बोले तो ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ये वही हार्मोन है जिससे आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में दो लाइन का आना इस बात को दर्शाता है कि जो फर्टिलाइज एग है वो प्रॉपरली यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है। सो जब इम्प्लांट होता है और एससीजी जब बनता है तो फीमेल्स को पीरियड्स नहीं आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी फीमेल का 28 दिन का पीरियड साइकिल है तो यूजली वो 28 दिन तक पीरियड्स आने का वेट करेंगे और अगर नहीं आए और प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम्स उन्हें लगे तो उन्होंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। ऐसी कंडीशन में जब वो 29वें, 30वें, 32वें दिन के अराउंड जब वो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो लगभग 32वें दिन के अराउंड एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते समय यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी की पहली झलक दिखाई देती है जिसे जेस्टेशनल सैक कहते हैं। ये जेस्टेशनल सैक क्या होता है? ये जेस्टेशनल सैक प्रेगनेंसी की झिल्ली आप समझ सकते हो। ये एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें एक स्पेशल टाइप का फ्लूड भरा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। इस जेस्टेशनल सैक के ही अंदर प्रेगनेंसी की हर वो प्रोसेस होगी जिससे फाइनली आपको बेबी मिलेगा 9th मंथ के बाद, ठीक है। जब ये जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है, इसके दिखाई देने के लगभग 7 से 10 दिन के बाद इसी जेस्टेशनल सैक में हमें योक सैक दिखाई देता है, फिर योक सैक के दिखाई देने के लगभग 5 से 7 दिन के बाद हमें फीटल पोल दिखाई देता है। फीटल पोल क्या होता है? फीटल पोल योक सैक की सीमा पर सी टाइप की एक आकृति होती है, कर्व टाइप की आकृति। अगर उसको ध्यान से देखें तो एक साइड पर बच्चे का सिर और दूसरे साइड पर बच्चे की पोल दिखाई देती है जिसे फीटल पोल कहते हैं। इसे आप भ्रूण समझ सकते हो, फीटस समझ सकते हो, बेबी समझ सकते हो, जो भी आपको समझना है आप समझ लीजिए। सो यहीं से जब फीटल पोल दिखाई देती है तो या तो उसी टाइम बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देगी या कुछ टाइम के बाद बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है और ये इनिशियल स्टेजेस में मतलब प्रेगनेंसी के लगभग 6 से 7 वीक्स में दिखाई दे देनी चाहिए तीनों झलकें। लेकिन अगर तीनों झलकें नहीं दिखाई देती हैं तो
उसके तीन मुख्य कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो आपको एलएमपी डेट का नहीं पता, मतलब आपकी लास्ट पीरियड डेट का नहीं पता जिस दिन आपको पीरियड्स आए थे। नंबर टू, अंडा अगर रिलीज लेट से हुआ है तो इम्प्लांटेशन लेट होगा, बीटा एससीजी लेट आएगा, फाइनली आपको जेस्टेशनल सैक लेट दिखाई देगा और फिर प्रोसेस जो बाकी होनी है वो भी लेट होंगी। नंबर थ्री, आपने टाइम से पहले ही अल्ट्रासाउंड करा लिया, फाइनली जो अल्ट्रासाउंड है वो छठे वीक पर करवाने की एडवाइस दी जाती है। अगर आप उससे पहले करा रहे हो तो प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस है वो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है या आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट कैसी आती है उस पर डिपेंड करता है। अगर इंटरनेशनल गाइडलाइंस की माने तो अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ओनली जेस्टेशनल सैक आया है तो आपको 14 दिन के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाती है। अगर जेस्टेशनल सैक के साथ योग सैक आया है तो आपको 11 दिन के बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की एडवाइस दी जाती है। सो जब आप दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमें जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है, योग सैक भी दिखाई देता है, फीटल पोल भी दिखाई देता है और बच्चे की दिल की धड़कन भी दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं दिखाई देती और आपने जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अल्ट्रासाउंड कराया है तो हो सकता है कि आपको कुछ अदर टेस्ट करवाने पड़े, हो सकता है कि आपको दोबारा से जो अल्ट्रासाउंड है वो वजाइना के रास्ते से करवाना पड़े जिसे ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। और जब आप दोबारा से स्कैन कराते हो तो फाइनली डायग्नोज होता है कि प्रेगनेंसी का एक्चुअल स्टेटस क्या है। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।